Good morning, students. Okay. Now today we'll do our next topic, which is separation of gases from air. Okay, this is also one of the separation technique, how we can separate different gases from air. So this can be done by the method of fractional distillation. The fractional distillation method is with the help of that we can separate the gases which are present in air. Like the gases which are present in air, they are oxygen, nitrogen, helium, argon, neon, etc. These all gases which are present in air. Okay. So, and the main gases which are present in air, mainly जो हमारे पास ज़्यादातर gases जो ज़्यादा quantity में present है, air में वो कौन-कौन सी gases हैं? That is nitrogen, oxygen and argon. And the percentage of nitrogen that is present in air, it is 78.03%, and oxygen is present 20.99%, right? And argon is in the percentage of 0.93%. Means many other gases are present, but these three are present in large quantity. So nitrogen is present in 78.03%, and the second major component of air is oxygen, which is 20.99%, and the third component of it is argon, which is 0.93%. Okay. So now we will separate by the method of fractional distillation method. We have three gases, so air is separated. Okay. So here this is the separation method of different gases from air. ठीक है ना, हम जो air में अलग अलग gases हैं तो उनको कैसे separate कर सकते हैं? This is the technique for that. Firstly, here we have filter. जब हम जो filter का क्या काम है, ये absorbs the air. Filter का क्या काम है, ये air को absorb करता है, उसमें से जो dust particles है, जो impurities है, it removes that. ठीक है ना, it removes क्या करता है ये? It removes dust and other impurities. So firstly, इस technique में हमारे पास जो filter present है, filter क्या करता है, air को absorb करता है और उसमें जो भी impurities और dust present है उसको remove कर देता है. ठीक है. Now then, अभी जो हमारे पास air जो बाकी है, जो pure हो चुकी है, without impurities है, then that air gets in. तो भी ये air है जो it goes into this chamber. ये इस chamber में जाती है. इस chamber में क्या है? Air is kept under pressure. ठीक है ना, जो इस chamber में air जाती है, उस पे क्या लगाया जा रहा है? Pressure, right? Means if यहाँ पे जो gas के particles present है, अगर हम उस पे pressure लगाएं ना, what will happen? कि वो जो gas के particles है, वो थोड़ी pass आते हैं. ठीक है ना, तो इस chamber में जो air जा रही है, that is kept under pressure. Air is अंडर प्रेशर. और जो किसी लगे इनको ऐसे क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और जो पार्टिकल्स है वो पास कर देते हैं. ठीक है, जब पार्टिकल्स पास आएंगे तब वहां पे क्या होगा, यहाँ पार्टिकल्स जैसे पास पास आ जाएंगे तो उनमें जो कोलिजन है वो ज्यादा होगी. यहाँ पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक करेंगे, बहुत से ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो उनका मोशन ज्यादा हो जाएगा, तो जिसके कारण उनकी जो एनर्जी है इंक्रीज हो जाएगी, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा. पहले हमने गैस को फिल्टर किया, डस्ट या इंप्योरिटीज जो भी थी वो रिमूव हो, उसके बाद जो एयर है दैट गेट्स इन द चैम्बर वेयर एयर इज बीइंग कैप्ट अंडर हाई प्रेशर. इतना ज्यादा प्रेशर लगा जाता है. ठीक है, और कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, तो भी यहाँ पे जो एयर एंटर हुई थी ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट बिकम्स हॉट एयर. उसको कंप्रेस किया मींस प्रेशर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया. उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मींस जो एयर है दैट बिकम्स नाउ हॉट एयर. तो अभी वो जो हॉट एयर है दैट पासेस इनटू नेक्स्ट चैम्बर. अभी जो गैस है इसमें से जो हॉट एयर है, कौन सी हॉट एयर है जिसको हमने कंप्रेस किया है? ओके, इस चैम्बर दिस इज द कंप्रेसर, इसको कंप्रेसर बोलते हैं. तो यहाँ पे जो एयर है कंप्रेस होके जो हॉट एयर है दैट गोज इनटू द नेक्स्ट चैम्बर. अभी देखो यहाँ पे इस चैम्बर में क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ वाटर इनलेट है, वो
water inlet or water means freezing cold water. इस चैम्बर में ये जो पाइप लगी है, इस पाइप में से जो बिल्कुल कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है, दैट इज गोइंग थ्रू दिस पाइप, ठीक है? और जब ये वाटर आके इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, इस बिल्कुल जो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इस पाइप में से जा रहा है, इट मीन्स ये जो हमारे पास पाइप है यहाँ पे फूट लगी है, ये बिल्कुल क्या होगी, ठंडी, बिल्कुल कोल्ड होगी ये। और जब हॉट एयर यहाँ पे से जा रहा है इस पाइप के अंदर, तो ये हॉट एयर क्या करेगी, थोड़ी सी अपनी जो हीट है वो लूज कर देगी, ठीक है? और वॉटर यहाँ से क्या जा रहा है, बाहर। तो इस ठंडी जो ट्यूब है जिसमें से कोल्ड वाटर जो पास हो रहा है, ठीक है ना, जब ये हॉट एयर इसके कॉन्टेक्ट में आएगी, तब वो हॉट एयर भी क्या बन जाएगी, कोल्ड एयर में चेंज हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले फिल्टर हुई, फिर कंप्रेसर में गई, जिसमें यहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो नेक्स्ट चैम्बर में गई, वहां पे वॉटर इनलेट है, एंड दैट वॉटर इज टोटली फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, एंड व्हेन दैट हॉट एयर विल कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस which is very cold, that hot air will change into cold air, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हमारे पास hot air थी, compressed hot air थी, इसके contact में that hot air change into cold, तो अभी हमारे पास जो next यहाँ से क्या जाएगी, that is the cold compressed air, ठीक है ना? अभी यहाँ से क्या जाएगी, cold compressed air इस tube में से pass होगी, ठीक है? And now the next step of the air is separator. अभी separator में क्या होगा? देखो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे जो गैस एंटर हुई दैट इज द कंप्रेस्ड एयर, वो एयर कंप्रेस्ड एयर ही है, ठीक है? बट कंप्रेस्ड एयर जब इस सेपरेटर में आती है, इस सेपरेटर में आती है, जो कंप्रेस्ड एयर है वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड, मीन्स जो गैस पहले इतनी सी स्पेस में थी, ठीक है ना, तो अब वो ज्यादा स्पेस में होगी, मीन्स वो क्या होगी, पार्टिकल्स वहां पे एक्सपैंड होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। जब कंप्रेशन हुई थी तब प्रेशर भी इंक्रीज हुआ था और टेम्परेचर भी, ठीक है? अभी यहाँ पे सेपरेटर पे आके एक्सपेंशन हो रही है, जब कंप्रेशन पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था तो जो एक्सपेंशन है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, हियर टेम्परेचर विल डिक्रीज। सेपरेटर में, सेपरेटर में एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन के कारण टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है? एंड एक्सपेंड हो गई भी, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हमारे पास कोल्ड कंप्रेस्ड एयर थी सेपरेटर में, इसकी एक्सपेंशन होगी, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इट चेंजेस टू ड्राई आइस, ठीक है ना? वो सॉलिड पार्ट में चेंज हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, और इस यहाँ सेपरेटर से जो CO2 है, एज ड्राई आइस इट गोज आउट, ठीक है ना? इस सेपरेटर से जो CO2 है वो एज ड्राई आइस यहाँ से बाहर निकल जाती है, और जो बाकी एयर बचती है दैट देन रिमूव्स इनटू द एक्सपेंशन है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका जो एयर है वो और एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है ना? एंड देन इट चेंजेस फ्रॉम एयर टू लिक्विड, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो एयर से किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड एयर में चेंज हो जाती है, एंड देन दैट लिक्विड एयर इट गोज इनटू दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, वो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है वहां पे जाती है। हमने जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी जो लास्ट वीडियो में, वहां पे हमने फ्रैक्शनेटिंग जो फॉर्म है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है ना? उसमें हमने इथेनॉल वाटर की स्टडी की, इथेनॉल का टेम्परेचर कम था, ठीक है ना? और जब तक वो पूरी की पूरी जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था हमारे पास, वो उस इथेनॉल के टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती थी, तब तक इथेनॉल उसी में से वापस ड्रॉप डाउन होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता, ठीक है ना? ये फ्रैक्शन विश्लेषण का काम किया था। अभी यहाँ पे भी क्या होगा, देखो जो लिक्विड नाइट्रोजन है हमारे पास, यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड एयर है और लिक्विड ऑक्सीजन है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड आर्गन का टेम्परेचर है -186 डिग्री सेल्सियस, और जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज -183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? तो ये इन तीनों का, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन, लिक्विड ऑक्सीजन का, ये इन तीनों का क्या है, बॉइलिंग, जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, आर्गन का फिर उससे ज्यादा है और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना? तो मीन्स नाइट्रोजन का सबसे कम है, तो सबसे पहले ये बॉइल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? जब ये लिक्विड नाइट्रोजन बॉइल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इस लिक्विड नाइट्रोजन को, और जब ये बॉइल होगी लिक्विड नाइट्रोजन किस में चेंज हो जाएगी, गैस में, ठीक
ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन सबसे पहले बॉइल होना स्टार्ट होगी और फिर वो गैस में चेंज हो जाएगी और फिर हम इसको अलग से क्या कर लेंगे, ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, सेकेंडली कौन बॉइल करेगा, आर्गन। ठीक है, आर्गन बॉइल करेगा तो उसको भी हम -26 के वो बॉइल हो जाएगा और उसको हम अलग से कलेक्ट करेंगे। बाकी बची ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा, तो ये क्या करेगा, तो इस फ्रैक्शनल कोलम को ऑक्सीजन के टेम्परेचर तक पहुंचने में सबसे ज्यादा देर लगेगी। ठीक है ना, इस टेम्परेचर में पहुंचेगा फिर इससे बनेगा, फिर सबसे बाद में ये ऑक्सीजन के टेम्परेचर में पहुंचेगा, तो तब तक ऑक्सीजन क्या करेगी इस फ्रैक्शनेटिंग कोलम में, तब तक जो ऑक्सीजन है वो फ्रैक्शनेटिंग कोलम में क्या करेगी, जैसे फ्रैक्शन यहाँ पे यूज किएगा, तो जब ऑक्सीजन बॉयल ऑफ करेगी, क्योंकि अभी तक पूरी पूरी जो फ्रैक्शनिंग जो कोलम है इसका टेम्परेचर -183 नहीं है, अभी ये -186 पे है। ठीक है ना, मीन्स अभी ये बात -183 पे नहीं पहुंचा, अगर आर्गन है तो भी -186 पे, मीन्स अभी आर्गन पूरा सेपरेट हो गया तो अभी इसका -186 इमीडिएटली 183 में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, फिर 5 फिर 4 फिर 0 पहुंचेगा, तो तब तक क्या होगा, जो लिक्विड है वो पहले अगर यहाँ तक पहुंचगी, अगर ये पार्ट उसके अकॉर्डिंग ठंडा होगा क्योंकि उसको -183 चाहिए, बट अभी टेम्परेचर है -186। ठीक है, तो अभी अगर ठंडा होगा तो फिर ये क्या करेगी, यहाँ फिर से कंडेंस हो जाएगी और फिर वो लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन है वो नीचे ड्रॉप डाउन कर जाएगी। नाइट्रोजन आर्गन तो हमारे पास जो अलग से सेपरेट हो चुकी है, ठीक है ना, तो अभी जो ऑक्सीजन है अभी उसकी जो पूरी फ्रैक्शनिंग कोलम है उसका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं पहुंचा -183, तो तब तक वो नहीं से कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, और जब उस पूरी फ्रैक्शनिंग कोलम का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाएगा तो तब वो पूरी पूरी लिक्विड में जब चेंज हो जाएगी तो हम उसको अलग से सेपरेट कर लेंगे अलग फ्लास्क में, तो हमारे पास वहां पे लिक्विड ऑक्सीजन हमें कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, वी आर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और मींस वी कैन से द गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट हियर, फॉर दैट वी आर यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एंड हियर इज द फ्लो डायग्राम फॉर दैट हाउ वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। द मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन हियर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। ओके, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर इज अब्सॉर्ब्ड बाय फिल्टर एंड दैट इज बीइंग फिल्टर्ड बाय रिमूविंग द डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज एंड देन एयर गोज इनटू कंप्रेसर where it is trapped under high pressure. So due to increasing pressure, temperature also increases. क्योंकि जब particles pass आएंगे उनकी motion ज़्यादा होगी, energy ज़्यादा होगी, उनका temperature ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो hot air को हम next chamber में pass कर रहे हैं जहाँ पे जो pipe लगी हुई है उसमें से cold air is passing. So due to when the hot air will come in contact with this tube, that will change into cold air. ठीक है, क्योंकि वो cold के साथ contact में आएगी, अपनी heat lose करेगी and it will change into cold air. सो देन दैट कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, फिर वो जो हमारे पास कोल्ड कंप्रेस्ड एयर थी, दैट कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इज देन पास्ड इनटू द सेपरेटर। ठीक है ना, फिर उस सेपरेटर में से जो CO2 है एज वाली लाइन से हमारे पास यहाँ से वो सेपरेट होती है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो क्या एयर आ रही थी उसको कंप्रेस किया तो यहाँ पे जो CO2 ड्राई है सोल्ड फॉर्म में सेपरेट होती है और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लगा रहा है गैस जाएगी एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन टाइप में गैस क्या रहेगी एक्सपैंड होगी। ठीक है, एक्सपैंड होने के बाद हम इसमें चेंज हो जाएगी लिक्विड एयर, लिक्विड एयर के बाद जो हमारे पास ये लिक्विड एयर है ये जाके फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कोलम में, तो वहां पे सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन कलेक्ट हो जाएगा, फिर आर्गन और जो ऑक्सीजन है फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन भी कलेक्टेड कर। सो इन दिस वे दीस कंपोनेंट्स ऑफ एयर दे आर सेपरेटेड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है जहां पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। ठीक है ना, एंड दिस सब्लिमेशन मेथड, ये सब्लिमेशन मेथड है सेपरेशन टेक्निक में, इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सब्लिमेशन मेथड है सेपरेशन टेक्निक में, इसको हम यूज करते हैं सो दैट वी कैन सेपरेट द सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। एंड हियर द एग्जांपल दैट आई हैव टेकन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, दिस इज द मिक्सचर ऑफ अमोनियम परक्लोराइड एंड सॉल्ट।
ठीक है, तो भी सब्लिमेशन मैथड इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर्स दैट कंटेन सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट, मींस इसमें इसको हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, किसको सेपरेट करना है, सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेट इंप्योरिटी से, एक तो है सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा, एक है नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट, तो सब्लिमेबल वो होगा जो सॉलिड से गैस में चेंज होगा और नॉन सब्लिमेबल वो होगा जो सॉलिड से गैस में चेंज नहीं होगा, एंड द वोलेटाइल, द वर्ड वोलेटाइल मीन्स, वोलेटाइल मीन्स वो उन सब्सटेंसेस को वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं व्हिच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है, जो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं व्हिच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अगर हमारे पास दो सब्सटेंसेस है, दो सब्सटेंसेस में से जो जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना, मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सो दैट इज वोलेटाइल कंपोनेंट, एंड द वन व्हिच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट दैट इज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, तो भी हमारे पास यहाँ पे सब्लिमेट है, मीन्स जो गैस में चेंज होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वोलेटाइल, मीन्स वो जल्दी इट विल चेंज इन टू गैस इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना, तो वोलेटाइल कंपोनेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक, और नॉन वोलेटाइल जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा, तो यहाँ पे जो सब्लिमेट है दैट इज वोलेटाइल कंपोनेंट जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, एंड इट इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटी, एंड द एग्जांपल इज ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोल्ट, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास बर्नर है, चाइना डिश रखी है, चाइना डिश के ऊपर रखी है फनल, अदरवाइज जो फनल होती है दैट इज लाइक दिस ना, जो फनल होती है इट इज लाइक दिस, ऐसे जो वाइट शेप में होती है, बट यहाँ पे हमने उस फनल को कैसे रखा है इन्वर्टेड, ऐसे सीधी रखी है उसको कैसे रखा है इन्वर्टेड रखा है, ठीक है ना, तो मीन यहाँ पे एज ए वाइट फॉर्म ऐसी है, तो यहाँ पे इसको हमने इस तरह से रखने के लिए इसको इन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे स्थिति है, तो इसका अपर पार्ट है नीचे चाइना डिश के साथ टच करवा दिया और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज इंग्लिश, ठीक है, मींस फनल को उल्टी अगर रख दिया दैट इज व्हाई इट इज बीइंग नेम्ड एज इन्वर्टर, तो इन्वर्टर फनल के ऊपर हमने यहाँ पे बॉटम लगा दिया, ठीक है, तो जिसे चाइना डिश इन्वर्टर फनल एंड बॉटम इज बीइंग, तो यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर रखा है हमने अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट, इन दोनों में से जो अमोनियम क्लोराइड है दैट इज द सब्लिमेबल सब्सटेंस, जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है, मींस इट विल डायरेक्टली चेंज इन टू गैस, ये दोनों सोलिड पर अमोनियम क्लोराइड भी सोलिड है, सोल्ट भी सोलिड है, ठीक है, और जो सोलिड अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है, सब्लिमेबल सब्सटेंस मींस दैट इट विल डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सोलिड टू गैस, ठीक है, और जब ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है इसके यहाँ ना व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्या शुरू होगी व्हाइट फ्यूम्स, यहाँ से व्हाइट फ्यूम्स जब ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड फनल है, ये क्या है, इट इज ओल्डर, ये जहाँ पर हिंदी है, एंड हियर द इन्वर्टेड फनल इज ओल्डर देन दिस, ठीक है ना, जब हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स है वो रेजअप हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड फनल इज ओल्ड, तो वो यहाँ वहाँ पे जाकर क्या हो रही है, किस चीज में चेंज हो रही है, सोलिड से गैस में चेंज हो रही है, तो उसके जो गैस गैसेस वेपर्स है अमोनियम क्लोराइड के वो यहाँ पे इस इन्वर्टेड फनल के साथ क्या हो जाते हैं अटैच होते हैं, वो यहाँ पे इसके साथ लग जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो बॉटम प्लग लगाएंगे व्हाट इज द मींस टू यूज द बॉटम प्लग ओवर हियर, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, मींस अमोनियम क्लोराइड है इट विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पे सॉलिड है और ये सॉलिड से गैस में चेंज होता है ना, तो इसके गैसेस पार्टिकल्स उसके वेपर्स है वो इस फनल से बाहर ना जा सके, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द बॉटम प्लग ओवर हियर, ठीक है, और यहाँ पे फिर जो अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड पार्टिकल्स है वो ऊपर जो इन्वर्टेड फनल कोल्ड ठंडी इन्वर्टेड फनल है ऊपर वो उसके साथ क्या हो जाते हैं दे गेट इन टू कॉन्टेक्ट विद दैट कोल्ड फनल, ठीक है, यहाँ से जो सॉलिड फॉर्म में व्हाइट फ्यूम्स में चेंज हो रहे हैं, गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो फनल है इन्वर्टेड फनल, यहाँ पे जो इन्वर्टेड फनल है वो कोल्ड ठंडी है, तो जिसके कारण वो यहाँ पे इस पार्टिकल इस फनल के साथ इन कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, जो फनल की अंदर साइड है वहाँ पे वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और जब इसको हम हीट कब तक करेंगे, हमने यहाँ पहले बर्नर ऑन किया ना, तभी हमारे पास ये जो मिक्सचर है ये हीट अप होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जब तक हम ये व्हाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं यहाँ पे तब तक हम इसको हीट करेंगे, एज सून एज द व्हाइट फ्यूम्स आर मोर विजिबल, जब भी हमें व्हाइट फ्यूम्स दिखना बंद हो जाएंगे इट मींस की जो अमोनियम क्लोराइड है
वो पूरे का पूरा सबमिट हो चुका है, वो पूरे का पूरा गैशेस पेपर्स में चेंज हो गया, गैशेस फॉर्म में चेंज हो गया। और जब हमें ये व्हाइट फिल्म जहाँ पे नहीं निकली तो हमें बर्नर को ऑफ कर देना है, ठीक है ना। एंड देन वी विल लिफ्ट अप, आफ्टर सम टाइम वी विल लिफ्ट अप दिस इन्वर्टर बर्नर, और यहाँ पे जो हमारे पास अमोनियम प्रोवाइड है, जो गैशेस फॉर्म में जो अमोनियम प्रोवाइड यहाँ पे अटैच होता है, उसको हम सेपरेट कर लेंगे और जो सोल्ट है वो यहाँ पे चैलेंज में वापस कर देंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सोल्ट सोल्ट की सेपरेशन सेपरेट करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट और दूसरा होता है नॉन सब्लिमेट वोलेटाइल। तो सब्लिमेट का जो सोल्ट से गैस निकलता है और वोलेटाइल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और नॉन वोलेटाइल जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हमने सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटी से अलग किया, तो इसके लिए सब्लिमेशन मेथड है। जो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बर्नर ले रखा है, यह इज अ चाइना डिश, इसमें अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट मिक्सचर है, कोटिंग लगा के यहाँ पे कोटिंग जो करेंगे, जब हम बर्नर ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है ये सोल्ट से गैस में चेंज होगा, सो दैट इसके वेपर जब अंदर से बाहर ना जा सके, दैट्स व्हाई कोटिंग प्लग इज बीइंग यूज्ड। ओके, सो एज द अबव पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द फनल इज कोल्ड, सो द वेपर्स ऑफ द अमोनियम क्लोराइड गैस इन कॉन्टैक्ट विद द इनर वॉल्स ऑफ द फनल। And as soon as the white films are no more visible, it means that ammonium chloride has sublimated. So हम इसको बर्नर को ऑफ कर देंगे और फनल से अमोनियम क्लोराइड अलग कर लेंगे और सोल्ट हमारे यहाँ पे लग जाए। हमें नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है इसको हम यूज करते हैं टू प्योरीफाई द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इट सेपरेट्स द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द सोल्यूशन। हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें से क्या करते हैं, जो सोल्ड है, जो प्योर सोल्ड है, उसको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सेपरेट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन से ये क्लियर है कि यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन है तो सोल्यूशन से हम जो सोलिड है उस सोलिड को सेपरेट करेंगे, और वो कैसे सेपरेट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, उनके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू सेपरेट द प्योर सोलिड, और वो सोलिड में किस फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है फ्रॉम द सोल्यूशन। ओके, सो नाउ फॉर द क्रिस्टलाइजेशन मेथड वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है, हमने कॉपर सल्फेट को वॉटर में मिक्स कर दिया, कॉपर सल्फेट को हमने वॉटर में मिक्स कर दिया, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉटर वी हैव डिसॉल्व द कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। उसको मिक्स करने के बाद हम उसको को क्या करेंगे, फिल्टर, फिल्टर करने के बाद जो इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी, ठीक है। और हमें नीचे क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा फिल्टर पेपर, फिर उस सोल्यूशन को हम यहाँ पे चाइना डिश में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने बीकर रखा है, बीकर में वॉटर है और जो बर्नर है उसको हमने रखी है वायर, ठीक है। और फिर हम उसको हीट कर रहे हैं, जहाँ पे जो वॉटर है वो क्या हो रहा है, बॉइल, ठीक है ना। वॉटर बॉइल हो रहा है और जो चाइना डिश में मिक्स किया है वो भी यहाँ पे गर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देखो यहाँ पे बर्नर के फिर व्हाइट फ्यूम्स कितने बंद होते हैं, तब हमने हीटिंग बंद करते हैं। तो यहाँ पे हमें कब पता चलेगा कि जो हमारे पास चाइना डिश में जो हमने सोल्यूशन ले रखा है उसमें जो क्रिस्टल्स है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं, या क्रिस्टल्स बन गए हैं। हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले रखा है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए, ठीक है ना। वो हमें जो कॉपर सल्फेट मिलेगा दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ प्योर सोल्ट, ठीक है ना। प्योर सोल्ट हमें मिलेगा क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और किसका होगा वो कॉपर सल्फेट, ठीक है। देखो अभी हमारे पास ग्लास रोड होती है ऐसी लंबी सी, ठीक है, ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हमने इस सोल्यूशन में डिप करना है, लेकिन अगर अगर हम इसमें डिप करेंगे तो अगर ग्लास रोड के साइड पे कुछ पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं, उसके साथ कुछ पार्टिकल्स कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, इट मीन्स कि सोल्यूशन में जो क्रिस्टल्स है वो बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो जब वो हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे तब हमने उस बर्नर को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, ठीक है। अभी देखो फिर से जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है इसमें हम सोल्ट को प्योर फॉर्म में सेपरेट करते हैं, और वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टल्स। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट को हमने वाटर में मिक्स कर दिया, कॉपर सल्फेट को वाटर में हमने मिक्स किया, ठीक है ना, उसका सोल्यूशन बन गया। तो उसके बाद हम उसको करेंगे फिल्टर, फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास नीचे बीकर में फिल्टर आएगा उस फिल्टर को हमने यहाँ पे चाइना डिश में रखना है, फिर उसको गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने के बाद आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर का जो ग्लास हो रहा है उसको इस सोल्यूशन में से डिप करते जाएंगे। जब हम देखेंगे कि हाँ जी अभी उसके साथ साइड्स पे जो पार्टिकल्स है वो अटैच होना स्टार्ट हो गए, इट मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है उसकी क्रिस्टल्स बन गई है। सो एंड देन एट दैट टाइम वी विल हम क्या करेंगे, जो बर्नर को ऑफ कर देंगे।
है ना, बर्नर को ऑफ कर दिया और फिर यहाँ पे इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, फिल्ट कर देंगे। हमारे पास क्या है, इसमें हीट करने के बाद हमारे पास सभी सॉल्यूशन बच जाए, फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ठीक है ना। फिल्टर करने के बाद जो क्रिस्टल है वो अलग हो जाएगा, सॉल्यूशन में वो अलग हो जाएगा। एंड इन दिस वे वी कैन सेपरेट द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज दैट चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। जो फिजिकल चेंज है ये वो चेंज है जिसमें सिर्फ जो मैटर है उसकी स्टेट, उसका साइज या उसकी शेप, फिजिकल जो सिर्फ वो ही उसकी चेंज होती है, साइज शेप या फिर उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती है, बट उसकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, देयर कम्स नो डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। बट इफ यू टॉक ऑफ केमिकल चेंज देन इन दिस द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो मैटर है कंपोजिशन चेंज होती है, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल अगर हम फिजिकल चेंज में लें तो फिजिकल चेंज है जो इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है, मीन्स उसकी स्टेट साइज शेप इन चीजों, ये चीजें डिफर करती है। इफ आई टेक वाटर, अगर हम वाटर को फ्रीजर में रखें तो ये किस चीज में चेंज हो जाएगा, जब हम इसको फ्रीज करेंगे इट विल चेंज इनटू आइस, मीन्स ये वाटर लिक्विड स्टेट में है और आइस है सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। सो मीन्स वाटर किस में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो गया जब हम इसको फ्रीज कर दें। और अगर हम आइस को, जो आइस को अगर हम फ्रीजर से निकाल लें, ठीक है ना, एंड इट इज केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर, या तो ये आइस रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, चेंज होकर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। मीन्स आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, ठीक है ना, ये मीन्स एक दूसरे में, लाइक वाटर कैन बी चेंज टू आइस एंड आइस कैन बैक चेंज टू वाटर, ठीक है ना। मीन्स सिर्फ उनकी जो फिजिकल स्टेट है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, सिर्फ इनकी ये फिजिकल स्टेट पर भी डिफरेंस पड़ रहा है, इनकी केमिकल कंपोजिशन है जो उस पर कोई डिफर नहीं होगा। जो वाटर है उसमें है तो H2O और एक ऑक्सीजन, वाटर तो H2O ही रहेगा, जैसे केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ जो उसकी स्टेट्स है दैट विल बी चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस, सिर्फ उनकी जो फिजिकल स्टेट्स है उन पर ही डिफरेंस रहेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस इन देयर केमिकल कंपोजिशन। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज, ठीक है ना। वाटर फ्रीज किया, आइस में चेंज होगी, आइस क्या करेगी, आइस बैक जब मेल्ट होगी तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। फिजिकल चेंज, बट इन केमिकल चेंज कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे जो मैटर उसकी कंपोजिशन चेंज होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी बर्न, अगर हम मैग्नीशियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम की वायर है, ठीक है ना, उसको हम ऑक्सीजन में एयर में बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, एयर में ये किस तरह बर्न करेगी, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम की वायर ले रखी हमने, उसको हम इन एयर, ठीक है ना, एयर में ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, यह वहां पर रिएक्ट करके हमें यहाँ पे क्या फॉर्म करेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मीन्स उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें डिफरेंस क्रिएट होगी। यहाँ पे ऐसे नहीं होगी फिजिकल स्टेट चेंज, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी चेंज होगी। यहाँ पे मैग्नीशियम की लगती है तो ऑक्सीजन की लगती, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा उसकी प्रॉपर्टीज इसकी कंपैरिजन से लग, ठीक है ना। लाइक अभी जो रस्ट हम कहते हैं जंगाल लग गया, ठीक है ना, सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है ना। मीन्स उनमें जो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है जिस मैटर में, वहां पे हमारे पास कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस, लाइक देयर वाटर टू आइस आइस वाटर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, वाटर आइस और आइस वाटर में चेंज, बट यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। देन थर्ड पॉइंट रिवर्सिबल, आपने देखा कि वाटर आइस में और आइस वाटर में, ये रिवर्सिबल है, बट केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल, ये इसको हम बैक, जैसे यहाँ पे हम वाटर को आइस में फिर से आइस वाटर में चेंज कर सकते थे, रिवर्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे केमिकल चेंजेस दिस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। एंड फिजिकल चेंजेस टेम्परेचर चेंज, ठीक है, बट जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट होता है, मीन एक बार जो हमने जो चीज जैसे चेंज होगी, जिसकी जो केमिकल कंपोजिशन का कुछ चेंज हो गया, तो उसको हम फिर से ओरिजिनल में चेंज नहीं कर सकते, वो एक परमानेंट चेंज हो गया और वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज,
substance का mass ही change होता है इसमें, but candles एक में जो mass है substance का that gets changed, ठीक है ना। आपको ये इनके डिफरेंस हम पास कर देंगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस के लिए तो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स एंड ऑल्सो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी वहाँ पे लाइक वॉटर और आइस की, ठीक है ना। एंड देयर इज एग्जाम्पल ऑफ दिस मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इज गिविंग मैग्नीशियम, ओके। एंड फॉर द सेपरेशन टेक्निक्स यू नीड टू नो अबाउट द प्रिंसिपल्स, जो सेपरेशन टेक्निक्स करवाई है मैंने उसमें आपको उस वो टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड देन द टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल, ओके। नाउ द लास्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द सिटी, ठीक है ना। जो ड्रिंकिंग वाटर की सिटीज में सप्लाई होती है, ठीक है, दैट इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम द लेक्स और रिवर्स, वाटर जो है वो वहां पे शहरों में सप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। बट दैट वाटर इज नॉट प्योर, इट्स डू कंटेन द इम्प्योरिटीज उसमें, ठीक है ना। आपको मिक्स वाटर सब्सटेंसेस जैसे होते हैं इसमें ऐसे इम्प्योरिटीज, ठीक है ना, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, जर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो इम्प्योरिटीज है या उनमें जो जर्म्स प्रेजेंट है इनको पहले क्या करेगा, इन इस जो रिवर्स और लेक्स का वाटर इसको पहले प्योरीफाई किया जाता है एंड देन इट इज बीइंग सप्लाइड टू होम इन द सिटी, ठीक है ना। जो सिटीज में डिफरेंट होम्स को यूज करते हैं, घरों को जो वाटर सप्लाई करते हैं, दैट वाटर इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम द लेक्स और रिवर, ठीक है ना। मीन्स रिवर वाटर और लेक वाटर है जो वो सोर्स होता है, रिवर वाटर और सोर्स वाटर, सॉरी लेक वाटर, रिवर वाटर और लेक वाटर है जो दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर इन सिटीज, ठीक है ना। दिस इज सोर्स ऑफ वाटर इन सिटीज, बट दिस वाटर इज नॉट प्योरिफाइड, इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज और सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटीज के अलग प्रेजेंट होते हैं, जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स व्हाई बिफोर सप्लाइंग दिस वाटर टू होम्स इट इज बीइंग प्योरिफाइड, ओके। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो रिजर्वोयर है मीन जो जो भी हमारा सोर्स है रिवर वाटर और लेक वाटर, जहां से भी हम वाटर को ले रहे हैं, दैट इज फर्स्ट बीइंग सेंट टू द सेडिमेंटेशन टैंक, उसको पहले सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। सो व्हाट हैपेंस इन द सेडिमेंटेशन टैंक, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, हैवी इम्प्योरिटीज होती हैं, दे आर बीइंग अलाउड टू गेट सेटल्ड, जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए जो सेडिमेंटेशन टैंक है वो बन रहा है, यानी इसमें वाटर को जो रिजर्वोयर से आ रहा है उस वाटर को उसमें ऐड किया और जो भी उसमें हैवी इम्प्योरिटीज है वो नीचे कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस जल्दी जल्दी से हो, देन वी कैन ऐड एलम विच इज फटकड़ी, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर देते हैं, एलम ऐड कर देते हैं, सो दैट जो सेटलिंग डाउन है इम्प्योरिटीज की, हैवी इम्प्योरिटीज की, वो जल्दी से हो, ठीक है। जब वो हैवी इम्प्योरिटीज वहाँ पे नीचे सेटल डाउन होगी, देन इट इज बीइंग सेंट टू द लोडिंग टैंक, फिर वो काम किया जाता है लोडिंग टैंक में, और लोडिंग टैंक में क्या होता है, इट्स सेडिमेंट्स आर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो भी वहाँ पे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो सारी क्या करती है, सेडिमेंट करती है। पहले सेडिमेंटेशन टैंक में उनको उसको नीचे बिठाया जाता है और फिर जो भी सेडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, जो भी मेन इम्प्योरिटीज अगर कोई और भी है इम्प्योरिटी है, दैट ऑल्सो गेट सेपरेट। आफ्टर द लोडिंग टैंक जिसमें स्टीम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को सेडिमेंट करने के बाद, दैट इज बीइंग सेंट टू द फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। हमारा यहाँ तक आधा वाटर होता है जो वो फिल्टर हो चुका है, सो दैट इज द हाफ फिल्टर्ड वाटर, मीन सेमी क्लियर वाटर है, उसको फिर हम फिल्ट्रेशन टैंक में से पास करते हैं, ठीक है ना। सेमी क्लियर वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में से पास करते हैं एंड हियर सैंड ग्रेवल कोर्स ग्रेवल, ठीक है ना, सैंड ग्रेवल एंड कोर्स ग्रेवल दीज ऑल आर प्रेजेंट इन दैट फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक है ना। सो इफ एनी ऑफ द इम्प्योरिटीज इज रिमेन इन दैट सेमी क्लियर वाटर, देन दैट गेट सेपरेटेड ओवर हियर एंड दैट वाटर फर्दर इज बीइंग सेंट टू द नेक्स्ट टैंक वेयर क्लोरिनेशन इज बीइंग डन, और वहां पे क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा इफ ड्यूरिंग बोर मीन जब वो बोर करते हैं, देयर ऑल्सो अ फिल्टर इज बीइंग एडेड, वहां पे भी फिल्टर को ऐड किया जाता है, कहते हैं ना, मीन्स इतनी फीट नीचे जो बोर है इतना फीट डीप है, ठीक है ना। तो वहां पे भी क्या करते हैं, वो फिल्टर ऐड करते हैं। फिल्टर किस चीज का फिल्टर ऐड करते हैं वहां पे, सैंड ग्रेवल कोर्स ग्रेवल इस तरह का, इनका जो मिक्सचर होता है वहां पे इसका जो फिल्टर है वो ऐड किया जाता है, सो दैट वाटर कम्स आउट टू बी प्योर, ताकि वो साफ पानी जो वो बाहर आए, ठीक है ना। जब जो भी घर में बोर करवाते हैं, ठीक है ना, जो भी मोटर लगवाते हैं, वहां पे जो बोर किया जाता है वहां पे भी उसमें फिल्टर ऐड किया जाता है, ताकि जो सैंड ग्रेवल एंड कोर्स ग्रेवल, सो आफ्टर सैनिक वाटर जो लोडिंग टैंक से हमें मिल रहा है उसको फिल्ट्रेशन टैंक में भेज रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी इम्प्योरिटीज बचती है तो यहाँ पे वो
अलग हो जाती है इन दिस फिल्ट्रेशन टैंक एंड देन आफ्टर द फिल्ट्रेशन टैंक इसको हम भेजते हैं नेक्स्ट चैम्बर में, यहाँ पे क्या होती है क्लोरीनेशन, ठीक है ना, क्योंकि वाटर में अगर कोई भी जर्म्स प्रेजेंट हो, ठीक है ना, मींस कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो जिसके कारण डिसीजेस कॉज हो सकते हैं लाइक टाइफाइड कॉलेरा, ठीक है ना, तो वो किसके कारण होते हैं अगर वाटर में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उन बैक्टीरिया को उन जर्म्स को किल करने के लिए हम क्लोरीनेशन टैंक को यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं जो हमारे पास वाटर इस टैंक में है उसमें क्लोरीन को ऐड करते हैं, सो ड्यूरिंग क्लोरीनेशन नाउ क्लोरीन इज बीइंग एडेड टू दैट वाटर so that harmful bacteria that can be removed. So after that water has purified and now the water is being ready to be supplied to the homes. हम यहाँ पे chlorine भी add कर सकते हैं, फिर can be bleaching powder also, ठीक है ना, तो उसको add करके जो germs हैं जो bacteria उनको clean किया जा सकता है and then the water is supplied to the homes. Okay, I'll repeat once again about the supply of drinking water in city. ठीक है ना, जो cities में जो homes हैं वहाँ पे जो water आता है उसका source है river water और lake water. ठीक है ना, उस वाटर को फिर हम सेडिमेंटेशन टैंक के पास करते हैं, वहां पे जो सॉलिड्स उनमें इंप्योरिटीज वो सेटल डाउन हो जाती हैं, फिर लोडिंग टैंक में भेजते हैं उसको, ठीक है ना, एंड देन द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज आर बीइंग सेडिमेंटेड ओवर हियर सेडिम, ओके, एंड देन सेंड टू द फिल्ट्रेशन टैंक, अगर कोई भी और इंप्योरिटी बची है तो वो यहां पे सेपरेट हो जाती है, उसके बाद क्लोरीनेशन टैंक में भेजते हैं, यहां पे अगर वाटर में कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया भी है तो वो यहां पे सेपरेट हो जाएगा, एग्जांपल यहां पे किल हो जाएंगे, ठीक है, और वाटर है वो जर्म फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, अगर उसमें वो जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे तो उनके कारण टाइफाइड कॉलेरा जैसे डिजीजेस हो सकते हैं, सो बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज कर सकते हैं, सो विद दैट द जर्म्स कैन बी और बैक्टीरिया कैन बी क्लियर, ठीक है, नाउ द वाटर इज बीइंग प्योरीफाइड, वो वाटर जो अच्छे से प्योरीफाई हो चुके हैं नाउ इट कैन बी सप्लाइड टू, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन प्योरीफाई द वाटर व्हिच इज बीइंग सप्लाइड टू द सिटीज इफ द सोर्स ऑफ देयर इज रिवर वाटर लेक वाटर.